Now next one, another C program based on number system conversion by implemented by using string operations. इसके समय इस तरह आपको perform क्या कराना है? Decimal to octal conversion. इसके समय decimal number को enter कराएंगे in the form of integer. Similarly, octal number में जब इसका conversion perform करें तो octal number किस format में store कराया जा? String और we can say character array or array of characters. Clear? Yes. Decimal के respect मत करना. Decimal का just base क्या रहता है? Always base 10. मीन्स अगर आपके पास कोई भी नंबर बेस 10 के फॉर्म में अवेलेबल है या बाय डिफॉल्ट कोई भी नंबर कंसीडर किया होता है बेस 10 देन इसको कन्वर्ट किस में कराना है रिक्वायर्ड बेस क्या इसके इसमें बेस 8 जब भी आपके पास बेस 10 के फॉर्म में या डेसिमल नंबर सिस्टम में कोई भी नंबर अवेलेबल है इसको नॉर्मली अगर आप ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसको एवरी टाइम डिवाइड किससे कराओगे 8 से देन 8 से डिवाइड करने पर जस्ट आप कैलकुलेट क्या करोगे रिमाइंडर रिमाइंडर्स को सेपरेटली एरे ऑफ कैरेक्टर्स के फॉर्म में स्टोर कराएंगे फॉर एग्जांपल्स सपोज दैट इस ऑपरेशंस को परफॉर्म कराने के लिए जस्ट मैंने कोई यूज किया है एरे ऑफ कैरेक्टर क्लियर लाइक दैट नेक्स्ट वन नंबर है आपका समथिंग नंबर है 101 इन द फॉर्म ऑफ बेस 10 इस 101 और 101 आपके पास अवेलेबल किस फॉर्मेट में जस्ट डेसिमल नंबर इसको कन्वर्ट किस में कराना है बेस 8 में तो बेस 8 में कन्वर्ट करने के लिए एवरी टाइम इज करंटली आपके पास नंबर क्या है नंबर इज 101 इन द फॉर्म ऑफ दिस इज द एरे और कैरेक्टर एरे ए प्लस एरे के इंडेक्सेस को मैनेज करने के लिए सेपरेट वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होगा ऑलवेज इटरेटिव वेरिएबल एज आई देयरफॉर वी आर यूजिंग वन मोर वेरिएबल एज आई विद इनिशियल वैल्यू है 0 क्योंकि फर्स्ट टाइम इस इसके साथ आपको परफॉर्म क्या कराना है जस्ट 101 तो 101 को सबसे पहले 101 के केस में रिक्वायर्ड बेस क्या है बेस 8 तो इसको डिवाइड किससे कराएंगे 8 से 8 से डिवाइड करने पर जस्ट टू केस जनरेट होंगे डिवीजन और रिमाइंडर तो इसके साथ रिमाइंडर्स को सेपरेटली स्टोर कराएंगे एरे के फॉर्म में यानी डिवीजन को स्टोर कराएंगे नंबर्स के फॉर्म में अगेन तो इसको 8 से डिवाइड करने पर जस्ट डिवीजन क्या आएगा इसका 1 देन 10 माइनस 8 इज 2 21 21 को 8 से डिवाइड करोगे देन कितनी बार डिवाइड हुआ 2 टाइम्स देन क्या आएगा इसके इसमें रिमाइंडर क्या आएगा जस्ट 5 रिमाइंडर इज 5 देन जो भी रिमाइंडर आया इस रिमाइंडर को 5 को जस्ट पहले कन्वर्ट किस में करेंगे कैरेक्टर्स के फॉर्म में अभी 5 अवेलेबल किस फॉर्मेट में जस्ट डिजिट तो एरे का टाइप क्या कैरेक्टर एरे इसलिए डिजिट को कैरेक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे इसको ऐड किससे कराएंगे जस्ट आस्की वैल्यू ऑफ 0 आस्की वैल्यू क्या इसका 48 48 प्लस 5 इज 53 फाइनली इस पर्टिकुलर केस में इसको असाइन किस में कराओगे इन प्लेस ऑफ ए ऑफ 0 ए ऑफ 0 के केस में असाइन क्या हो जाएगा जस्ट कैरेक्टर 5 नेक्स्ट वन इसके बाद डिवीजन क्या आया था 12 और डिवीजन को किस में स्टोर कराएंगे अगेन ओरिजिन नंबर तो नंबर के केस में क्या हो जाएगा इस केस में जस्ट 12 क्लियर नेक्स्ट वन अगेन इसको 8 से डिवाइड करेंगे 12 को मीन सेम नंबर फिर से किससे डिवाइड होगा 8 से कब तक डिवाइड करो जब तक आपको डिवीजन 0 नहीं मिल जाता तो नेक्स्ट टाइम 8 से डिवाइड करने पर डिवीजन क्या आएगा जस्ट 1 रिमाइंडर क्या आएगा 4 तो 4 को अगेन डिजिट्स में सॉरी कैरेक्टर्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज क्या करेंगे इसको ऐड कैसे कराएं आस्क वैल्यू ऑफ 0 वन मोर थिंग्स इसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों क्योंकि आपने जो एरे क्रिएट किया एरे का टाइप क्या कैरेक्टर एरे तो इसलिए सारे के सारे सिंबल स्टोर किस फॉर्म में कराओगे एरे ऑफ कैरेक्टर्स के फॉर्म में क्लियर इन दैट केस जस्ट इस केस में जनरेट क्या हुआ 4 आस्क वैल्यू ऑफ 4 प्लस ए आस्क वैल्यू ऑफ 4 असाइन किस इंडेक्स में होगा सेम इंडेक्स और नेक्स्ट इंडेक्स व्हिच इज ए ऑफ 1 तो स्पेस पर क्या असाइन हो जाएगा जस्ट 4 नेक्स्ट टाइम अगेन 8 से डिवीजन परफॉर्म कराएं तो डिवीजन वन मोर थिंग्स प्रीवियस केस में रिमाइंडर एरे में ए ऑफ 1 में असाइन कर लिया लेकिन जो डिवीजन है डिवीजन अगेन किस में असाइन हुआ नंबर इटसेल्फ मींस ये सारे वैल्यू रिप्रेजेंट किस होने वेरिएबल नंबर्स के फॉर्म में तो नंबर का नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा 1 नेक्स्ट टाइम 1 को 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा सॉरी डिवीजन क्या आएगा 0 रिमाइंडर क्या आएगा इस केस में 1 1 को अगेन ऐड कराएंगे आस्की वैल्यू ऑफ 0 प्लस ए नेक्स्ट कैरेक्टर असाइन किस में होगा ए ऑफ 2 सेकंड इंडेक्स में क्या आसान हो जाएगा जस्ट 1 क्लियर देन डिवीजन क्या है 0 तो डिवीजन अगेन किस में आसान होगा नंबर तो नंबर का नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा इस केस में एग्जैक्टली 0 जैसे ही नंबर का वैल्यू 0 हो जाता है उस केस में ऑपरेशन को स्टॉप कराएं क्लियर नेक्स्ट थिंग्स जस्ट एरे के केस में लास्ट प्लेस पर मींस जैसे ये ऑपरेशंस कंप्लीट हो चुके हैं तो लास्ट प्लेस मींस ए ऑफ 3 ए ऑफ 3 में आसान क्या कराएंगे कैरेक्टर नल इसे स्ट्रिंग को टर्मिनेट करने के लिए अगेन यूज क्या करोगे नल कैरेक्टर्स नेक्स्ट थिंग्स अगर जस्ट बात करें एज अ नंबर इज 101 101 का रियल केस में
इसका ऑक्टल नंबर क्या है 145, लेकिन आपको भी एरे में क्या शो हो रहा है 541, तो जस्ट इस केस में रिक्वायर्ड क्या हुआ, जस्ट रिवर्स ऑपरेशन। अगर इन डिजिट्स को और सारे सारे एलिमेंट रिवर्स कर दिए, मीन्स फर्स्ट प्लेस पर क्या जाएगा 1 और 1 के प्लेस पर क्या जाएगा 5 कैरेक्टर, देन 4 को रिवर्स करने की जरूरत नहीं, मीन्स जस्ट आपको स्ट्रिंग को रिवर्स करने की नीड है। रिवर्स करने मीन्स नेक्स्ट ऑपरेशन क्या रहेगा, रिवर्स ऑपरेशन। तो रिवर्स ऑपरेशन के लिए आप यूज कर सकते हो एग्जिस्टिंग फंक्शन strrev, सप्लाई क्या करो एरे, तो फर्स्ट प्लेस पर क्या था 5 रिप्लेस किस हो जाएगा 1 से, और 1 के प्लेस पर क्या आएगा जस्ट 5, नेक्स्ट टाइम 4, देयर इज नो नीड ऑफ स्वैपिंग 4। फाइनली जो भी आपके रिजल्ट पास रिजल्ट आया, रिजल्ट को डिस्प्ले करा लो यूजिंग पोर्ट्स फंक्शन पोर्ट्स ए। तो इस केस में जस्ट मैं लॉजिक्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, लॉजिक्स के रिस्पेक्ट में मैं लॉजिक्स डायरेक्टली मेन फंक्शन में राइट डाउन करूँ, इसके लिए मैं कोई सेपरेट फंक्शन प्रोवाइड नहीं करेगी। लॉजिक इस फॉर्मेट इन द फॉर्म ऑफ मेन, तो मेन के रिस्पेक्ट में किसी भी प्रोग्राम के रिस्पेक्ट में प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट करने के बेसिक स्टेप्स क्या रहते हैं, फर्स्ट वन प्रोवाइडिंग वेरिएबल डिक्लेरेशंस, वेरिएबल डिक्लेरेशन के जस्ट वन, नेक्स्ट वन जस्ट रीडिंग इनपुट्स। वेरिएबल डिक्लेरेशन के रिस्पेक्ट में टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने रिक्वायर्ड हैं 3, एरे वेरिएबल नंबर इटरेटिव वेरिएबल आई, क्लियर। इसे सारे के सारे वैल्यू 0, 1, 2, 3 रिप्रेजेंट किस होंगे आई के थ्रू, इंटीजर इटरेटिव वेरिएबल आई वेरिएबल नंबर एंड कैरेक्टर एरे। कैरेक्टर एरे का साइज क्या लोगे आप, असाइनमेंट किसमें करा रहे हैं ऑक्टल के फॉर्म, तो इसे एरे का नेम मैंने यूज किया जाए ऑक्टल, प्लस आप मैक्सिमम साइज कुछ भी ले सकते हो, साइज यूज किया मैंने एज अ 10। इसे डिपेंड करेगा आप किस रेंज या किस लेंथ तक के नंबर को कन्वर्ट करना चाहते हो। इंटीजर नंबर की केस बात करें काफ़ी छोटा है, स्मॉल नंबर आएगा। अगर आप लेंथी नंबर्स को लिए ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहते हो, देन नंबर का टाइप इंटीजर ना लेके आप टाइप क्या लोगे या लॉन्ग टाइप, देन काफ़ी लेंथी नंबर जनरेट होगा इस केस में। मैक्सिमम साइज आप क्या यूज कर सकते हो रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, मे बी 10, 20 लाइक दैट। नेक्स्ट वन एरे क्रिएट होगा, इसके जस्ट आप परफॉर्म क्या कराना है एवरी टाइम नंबर को डिवाइड कराना है। ऑपरेशन कब तक परफॉर्म हुए थे, जब तक नंबर जीरो नहीं हो चुका है, प्लस आई का इनिशियल वैल्यू का रिक्वायर्ड हुआ 0। फोर लूप, इसे जस्ट पहले रिक्वायर्ड क्या हुआ वेरिएबल डिक्लेरेशन का, सेकंड स्टेप क्या रीडिंग इनपुट्स यूजिंग कीबोर्ड, तो इनपुट से जस्ट वैल्यू किस लिए रीड कराना है नंबर के लिए, इसलिए मैं मैसेज डिस्प्ले करा रहा हूँ एंटर नंबर। नंबर इटसेल्फ कंसीडर क्या हुआ जा बेस 10। नेक्स्ट वन नंबर को रीड करने के लिए यूज क्या कर लेंगे स्कैन एफ फंक्शन, स्कैन एफ के केस में वैल्यू किस में स्टोर कराओगे इन साइड वेरिएबल नंबर। नेक्स्ट वन जस्ट ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए, मीन इस केस में ऑपरेशन 3 टाइम परफॉर्म हुआ, अगर लेंथी नंबर हो सकता है नंबर ऑपरेशन 5 टाइम परफॉर्म या 6 टाइम, तो ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे विद द हेल्प ऑफ फोर लूप। फोर के केस में आई का इनिशियलाइजेशन किस हो रहा है, इसे एरे के एलिमेंट्स के इंडेक्सिंग मैनेज करने के लिए इनिशियल इंडेक्स स्टार्ट कहाँ से होता है ऑलवेज 0, इसलिए आई का इनिशियल वैल्यू क्या है 0 प्लस। लेकिन ये ऑपरेशन कब तक परफॉर्म होंगे, जब तक इस पर्टिकुलर नंबर का वैल्यू 0 नहीं हो जाता है, जब तक नंबर पॉजिटिव है, मीन्स नंबर ग्रेटर देन 0, जैसे नंबर 0 हो जाएगा उसके इसमें ऑपरेशन स्टॉप हो जाएंगे, देन एवरी टाइम आई में इंक्रीमेंट कितने से होगा 1 से, क्लियर। नेक्स्ट वन जो भी रिजल्ट आएगा रिजल्ट एवरी टाइम असाइन किस में करा हुए ए ऑफ आई के, फर्स्ट रिजल्ट किस में आसान हुआ ए 0, नेक्स्ट टाइम ए 1, 0, 1, 2 मैनेज किससे हो रहे हैं आई के थ्रू, क्योंकि आई में एवरी टाइम 1 से इंक्रीमेंट हुआ, प्लस इस केस में ये ऑपरेशन 541 प्रोवाइड किसने किया था नंबर मॉड्यूलो बाई 2, इसे पर्टिकुलर ऑपरेशन कौन प्रोवाइड कर नंबर मॉड्यूलो बाई 8, सॉरी क्योंकि डिवीजन एवरी टाइम किससे हो रहा है 8 से, मॉड्यूलो बाई 8, प्लस इस नंबर के पास जो डिजिट आएगा डिजिट को कैरेक्टर्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ क्या करेंगे, इसको ऐड कैसे करा देंगे आस्की वैल्यू ऑफ 0। इसके जस्ट बाद एवरी टाइम इसके साथ अभी जस्ट ए ऑफ आई में क्या स्टोर होगा एवरी टाइम ओनली रिमाइंडर, लेकिन डिवीजन किस में स्टोर कराओगे नंबर इट सेल्फ, तो नेक्स्ट टाइम परफॉर्म क्या कराएंगे नंबर इक्वल्स टू नंबर डिवाइडेड बाई 8, क्लियर। नेक्स्ट वन क्लोजिंग दिस लूप, जब कंट्रोल लूप से बाहर आएगा तो आपको याद हो जब ये ऑपरेशंस कंप्लीट हो जाए नंबर का वैल्यू 0 हो जाए कंट्रोल कहाँ जाए आउटसाइड लूप, आउटसाइड लूप ए ऑफ 3 में लास्ट टाइम असाइन क्या कराया था नल, इस लूप के जस्ट पास ए ऑफ आई, आई का रिसेंट वैल्यू क्या था लास्ट टाइम 3, तो ए ऑफ आई का वैल्यू क्या हुआ इस केस में 3, और ए ऑफ 3 में असाइन क्या हो जाएगा वैल्यू एज नल, क्लियर। देन और नेक्स्ट रिक्वायर्ड केस क्या रहेगा, अभी आपका सो ऑपरेशन जस्ट सबसे पहले क्या मिला था आपको 541, देन रिक्वायर्ड क्या रिवर्सिंग गिवन एरे,
और गिवन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए रेडीमेड फंक्शन यूज कर सकते हो एस टी आर आर ई वी, इसके ऑपरेशन में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, क्लियर। देन इसके बाद रिवर्स होने के बाद जो भी आपके पास ओरिजिनल इनपुट है और ओरिजिनल आउटपुट जनरेट हुआ, इसको डिस्प्ले करा सकते हो यूजिंग पुट्स फंक्शन, पुट्स कंटेंट्स ऑफ ए, सॉरी अगर मैंने मिस्टेक किया, इसके इसमें एरे का नेम क्या यूज हुआ ए, सॉरी मैं यूज क्या करूँ एवरी टाइम ए, इस प्लेस पर मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ एरे को एज अ ए। देन क्लोजिंग दिस मेन फंक्शन, मीन्स इस प्रोग्राम के थ्रू किसी भी ऑक्टल नंबर को या ऑक्टल इंटीजर को इक्वेलेंट डेसिमल, सॉरी किसी भी डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना पॉसिबल हो। वन मोर थिंग्स, अगर आपको सेम डेसिमल नंबर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 8 के प्लेस पर डिवाइड कैसे करेंगे एवरी टाइम 2 से, सेम एज अगर आपको बेस 16 में कन्वर्ट करना तो एवरी टाइम डिवाइड किससे करेंगे 16 से, लेकिन 16 में अदर पॉसिबल केस क्या होंगे ए टू एफ। नेक्स्ट टाइम मैं प्रोवाइड करूंगा हाउ टू कन्वर्ट इन डेसिमल इनटू इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर।